इरिटेट हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस किस को कैसे हैंडल करूँ यार। मुझे सुसाइड करना है, तुम मुझे सुसाइड करने का कोई तरीका बताएगी? अच्छा, तुझे सुसाइड करना है और वो भी आसान तरीके से। मैं तुझे मौत के बारे में बताती हूँ, सुसाइड के अलग अलग तरीके भी बताती हूँ, उनके अंजाम भी बताती हूँ, फिर तू तय कर कि तुझे कैसे मरना है। नॉर्मली मौत चार टाइप की होती है, एक्सीडेंटल डेथ, नेचुरल डेथ, बीमारी की वजह से मौत या सुसाइड। इसमें सबसे आसान होती है नेचुरल डेथ। ये तब आती है जब हम खुद तैयार होते हैं इसका सामना करने के लिए। इससे थोड़ी कठिन होती है एक्सीडेंटल डेथ, जिसमें हम मौत की अपेक्षा नहीं करते लेकिन फिर भी वो किसी वजह से आ ही जाती है। दर्द होता है लेकिन दर्द का एहसास होने से पहले ही मौत आ जाती है। तीसरा प्रकार है बीमारी की वजह से मृत्यु। इसमें मौत की आड़ लग जाती है, दर्द भी बहुत होता है लेकिन मरते दम तक जीवन की आस लगी रहती है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और जीवन दान मिल जाए, और इसी उम्मीद पर दर्द सहने की ताकत मिलती है। अब आखिरी तरीका है सुसाइड यानी आत्महत्या। ये मृत्यु का सबसे भयानक और घिनौना तरीका है। दुनिया ने इसे कायरता और गुनाह का दर्जा दिया है। इसकी वजह अलग अलग होती है लेकिन नतीजा बहुत ही दर्दनाक होता है। सुसाइड करने का निर्णय लेने के बाद उस पर अमल करने तक वो इंसान हर पल मौत के साए में जीता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मृत्यु को इस तरीके से गले लगाते हैं। अब मैं तुम्हें सुसाइड करने के कुछ पॉपुलर टाइप बताती हूँ। ज्यादातर लोग खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करते हैं। रस्सी को गले में बांधकर जब कोई खुद को लटका देता है तब उसके फेफड़े यानी कि लंग्स सांस लेने के लिए तड़प जाते हैं। हृदय ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जोर जोर से धड़कता है, पूरा शरीर सांस लेने के लिए फड़फड़ाता है, आंखें और जीभ बाहर आ जाती है, लेकिन तब ऐसा लगने से कुछ लाभ नहीं होता और फिर सिर्फ अंधेरा। कई लोग जान देने के लिए ऊंची बिल्डिंग से कूद जाते हैं या फिर चलती गाड़ी या ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। एक जबरदस्त फटका शरीर को लगता है, हड्डियां टूटती है और खून बहने लगता है। दर्द की वजह से ब्रेन की नसें फट जाती है और फिर तड़प तड़प के मृत्यु आ जाती है। कुछ लोग जहर पी जाते हैं, लोग थोड़ी सी एसिडिटी होने से परेशान हो जाते हैं, पर यहाँ तो मानो जैसे पेट में आग लग जाती है। शरीर के सब पुर्जे अकड़ने लगते हैं, दर्द का तो मानो जैसे सैलाब उठ गया। और कुछ लोग गहरे पानी में कूद के जान दे देते हैं। सोच ले, जब पानी की एक बूंद भी सांस की नली में चली जाती है तो कैसा लगता है। यहाँ तो फेफड़े पानी से भर जाते हैं, हृदय मानो फट जाता है और फिर एक दर्दनाक मृत्यु से सामना होता है। इंसान की सोचने की शक्ति यानी कि दिमाग, अगर उसे एक तरफ निकाल के रख दिया जाए तो इंसान भी एक जानवर ही है, और विश्व का कोई भी जानवर सुसाइड नहीं करता सिवाय इंसान के। जो सोचने की शक्ति उसे उपहार में मिली है वही उसके विनाश का कारण बन जाती है, क्योंकि वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। अब तू बता, तुझे किस तरह से सुसाइड करनी है?
तेरी बातें सुन के तो मेरी बॉडी शिवर करने लग गई यार, ऐसा भी होता है क्या? बट यार देख, मैं सुसाइड करने के लिए कह तो रही हूँ, लेकिन मैं अपने जो सराउंडिंग में लोग हैं वो मेरे अपने हैं, उनके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, ताकि मैं चली जाऊँ तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कह रही यार। झूठ बोल रही है तू। तेरे जीने या मरने से किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। हर किसी के प्रॉब्लम उसके अपने होते हैं, उसके जन्म के साथ जुड़े होते हैं और उसके साथ खत्म हो जाते हैं। जब तुम नहीं थी तब भी उनके प्रॉब्लम उनके साथ ही थे, और जब तुम नहीं रहोगी तब भी उनके प्रॉब्लम उनके साथ ही रहेंगे। शायद तुम ये बात नहीं जानती, जीवन की शुरुआत संघर्ष के साथ ही होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माँ के साथ साथ वो बच्चा भी दर्द से गुजरता है। जीवन भर ये स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है। संघर्ष करना ही जिंदगी का मतलब है, इसलिए ये नाटक बंद कर और जिंदगी का सामना खुले दिल से कर। अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है और तुम अभी से ही थक जाने की और हार जाने की बातें कर रही हो, और उसके लिए बाकी लोगों को जिम्मेदार करके सेक्रीफाइस करने का ढोंग कर रही हो। आंखों पर से ये डर और ढोंग की पट्टी हटा दे तो तुझे जीवन का असली रूप और रंग नजर आएगा। क्या करना चाहिए ये तो सब बोलते हैं, लेकिन कैसे करना है वो कोई नहीं बताता है। ये एक छोटी सी बात है, अगर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी सीखनी ही पड़ती है। कंप्यूटर पे गेम खेलना है तो कंप्यूटर सीखना ही पड़ता है। वैसे ही अगर जीवन जीना है तो उसे सीखना तो पड़ेगा ना। तो इतनी सारी बातें बता रही है तो यार मेरी एक हेल्प करना, मुझे जीना भी सिखा। क्योंकि देख, स्कूल और कॉलेज में ये सारी बातें नहीं सिखाई जाती कि जीवन जीना कैसे है। मुझे सिखा यार प्लीज, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। ये तो मेरा काम है उलझन, लेकिन प्यासे को कुएं के पास जाना ही पड़ता है। अगर तुझे आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है तो तुझे मेरे पास आना ही होगा, और वो भी खुद को पूरी तरह से सरेंडर करके। हाँ गीता, मैं पूरे तन मन से तुझे समर्पित करती हूँ। प्लीज आई बेग यू, मुझे जीना सिखा दे यार।